सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है नौकर निबंध, पाठ 15। इस निबंध के निबंधकार हैं अनु बंदोपाध्याय। बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये जानिए इस निबंध का शीर्षक नौकर क्यों रखा गया। महात्मा गांधी किसी भी प्रकार के काम करने से जरा भी नहीं हिचकते थे। वह किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझते थे। चाहे आश्रम में बर्तन मांजना हो, सर सफाई का काम हो, या कुएं से पानी भरना हो। एक बार तो जब ये आश्रम में रह रहे थे, इनकी तबीयत काफी खराब थी, तभी इन्होंने अपने हिस्से की काम करना बंद नहीं किया। इनके चाहने वाले, इनके शिष्य लोग, इनके बताए गए राह पर चलने वाले, अनुसरण करने वाले व्यक्ति जब इन्हें मदद करने जाते थे तो यह किसी को भी अपना मदद करने नहीं देते थे। यह स्वयं विषम परिस्थिति में भी अपना कार्य खुद करना चाहते थे। यह दूसरे को मदद करते थे, पर इन्हें कोई मदद करे ये गांधी जी को पसंद ना था। और इस पाठ में गांधी जी कई काम ऐसे किए हैं जो सिर्फ नौकरों द्वारा किया जाता है, आमतौर पर लोग खुद नहीं करना चाहता है, लेकिन गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे। जिन वर्गों को हमारे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे नौकर आया, उसे गांधी जी अपने दिल से लगाते थे, भाईचारे की भावना रखते थे, उनसे परिवार के एक सदस्य मानते थे, चाहे वो नौकर हो या आया हो, उन्हें अपने बराबर के अहदे देते थे। इन्हीं घटनाक्रम को इस निबंध में निबंधकार अनु बंदोपाध्याय जी वर्णन किए हुए हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की और आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा था। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गांधी जी आम तौर पर साधारण शब्द में कहा जाए तो वो नौकर चाकर के काम भी करते थे। वह नहीं समझते थे कि यह काम छोटा है, यह काम बड़ा है, यह मेरे लायक है, यह नौकरों के लायक है। वह सभी काम को समान रूप से करते थे। जिस समय वह बैरिस्ट्री से वकालत करके अच्छी आमदनी करते थे, अच्छा पैसा कमा लेते थे, उस समय भी वह प्रतिदिन चक्की से आटा पीस कर अपने घर में भी प्रयोग करते थे और आश्रम के लिए भी देते थे। एक रोज जब आश्रम में आटा घट गया तो फौरन यह समाचार इनके पास आया और गांधी जी तुरंत आटा पीसने के लिए उठ खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। इनका कहना था कि गेहूं को पीसने से पहले, आटा बनाने से पहले उसे अच्छी तरह बीन लिया जाना चाहिए। बीनना का अर्थ चुन लेना चाहिए,
हो सके उसमें कंकड़ पत्थर हो। कॉफिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उसने मिलने वाले लोग हैरत उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के समान शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उसके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए, उनको अंग्रेजी भाषा को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में हुए बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। इन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात तार ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा लेकर चल दिए। जब गांधी जी आश्रम में आटा पीसने के लिए गए तो उसी समय एक अंग्रेजी पढ़ने लिखने और जानने वाले युवक बहुत सारे युवकों के साथ वह भी वहां पहुंचा और इनके साथ साथ कॉलेज की अन्य छात्र भी गांधी जी से मिलने आश्रम पहुंचे। उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पर बड़ा अभिमान था, बड़ा गर्व था। वह गांधी जी से बातचीत करने के बाद वह बापू जी के ऊपर एहसान जताना चाहते थे, इसलिए वह उसी बीच बापू जी से पूछ दिया कि यदि मैं आपके किसी मदद के लिए काम आऊं तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं। गांधी जी इस बात को ताड़ लिए, अर्थात वह समझ गए और बोले, यदि तुम्हारे पास समय है तो तुम इस थाली में रखे गेहूं को बीन दो। आगंतुक को जो तुरंत अभी आया था उस लड़कों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सोचा था कि कोई पढ़ने लिखने वाला काम देंगे, पर इन्होंने तो मुझे ये काम दे दिए। वह आगंतुक अपने अंदर ही अंदर अफसोस करते हुए वह एक घंटा तक तो गेहूं बीनने का काम किया, अंत में थक कर गांधी जी से माफी मांग कर वह वहां से विदा लेकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडार में जाकर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों के आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। अब गांधी जी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वो सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। गांधी जी भारत में आंदोलन प्रारंभ करने से पहले दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चला चुके थे। वह वहां रह रहे भारतीयों के प्रति अन्याय के विरुद्ध लड़कर
उसे उचित न्याय दिलवा कर आ चुके थे, सो इन्हें बहुत कुछ का ज्ञान हो चुका था। वह वहां रह रहे सैकड़ों कैदियों को भोजन परोसने का काम ये स्वयं करते थे, जिसके कारण इन्हें काफी अनुभव हो चला था। गांधी जी साबरमती आश्रम में कुछ दिन ठहर कर भंडार की काम संभालने का कार्य खुद करने लगे। वह सुबह अपने नित क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना आदि कर जब वह रसोई घर में प्रवेश करते थे तो सब्जियों को छीलने का हिदायत देते थे। रसोई घर में किसी भी तरफ यदि मकड़ी का जाले दिखाई पड़ते तो वहां के कार्यकर्ताओं को काफी डांट और फटकार लगाते थे। एक बार रसोई के भ्रमण करने के सिलसिला में गांधी जी ने देखा कि आलू को बिना धोए ही लोग काट रहे हैं। यह देखकर उन्होंने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, इसे धोकर काटो, तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए यह फायदेमंद होगा, वरना हमें नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह गांधी जी कुछ दिन तक आश्रम में भंडार को संभालने के कार्य भी किए। आश्रम का एक नियम यह था कि सब कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई शॉप पर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। अब देखिए यहाँ गांधी जी, मैं पहले भी बोली हूँ कि किसी भी प्रकार की काम करने से नहीं कतराते थे। वह आश्रम के बड़े बड़े बर्तन मांजने से भी पीछे नहीं हटे और एक बार तो बाकी बर्तन आश्रम में रह रहे कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन बड़े से पतीला जिसकी पेंदी में नीचे काफी जल गया था और कालिक भी काफी लगा हुआ था, उसे धोने के जिम्मा गांधी जी ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। अब वह जोर जोर से रगड़ रगड़ करके धोने लगे। तभी कस्तूरबा गांधी आई और वह कहने लगी कि यह काम आपका नहीं है, इस काम को करने के लिए इस आश्रम में और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए। और गांधी जी भी अपनी धर्मपत्नी की बात मानते हुए, उन्हें लगा कि छोड़ देने में ही भलाई है। यहाँ पर वह अपनी बुद्धि के प्रयोग करते हुए चुपचाप उस बर्तन को वहां छोड़कर कस्तूरबा गांधी के हाथों सौंप कर वहां से निकलते बने। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते हैं। जब गांधी जी एक कार्यकर्ता से नाखुश थे तब उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि देखो कैसे मैं लोहे के बर्तन को भी अपनी मेहनत से इसे चांदी की तरह चमका देता हूँ और एक तुम लोग हो। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उसी समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया था और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। जब उस आश्रम में एक
नए मेहमान का आगमन हुआ, आश्रम निर्माण हो ही रहा था। लोग तंबू का अर्थ होता है कपड़े का छोटा सा घर, लोगों को रहने के लिए कपड़े के छोटे छोटे घर था। तंबू गाड़ कर सोना पड़ता था। जब वहां एक नए कार्यकर्ता आया तो उसे पता नहीं था कि यह सामान कहाँ रखना है और कहाँ कैसे सोना है, तो वह सामान वहां पे रखकर गांधी जी से पूछने चला गया। इतने ही में गांधी जी आए और उस सामान को उठाकर यथावत एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए स्वयं अपने कंधे पर उठाए लिए चले जा रहे थे। इस सारी बातों से लेखक गांधी जी के व्यक्तित्व को वर्णन कर रहे हैं। वह सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उनकी व्यक्तित्व सादगी से भरा पड़ा हुआ था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ नौकर निबंध आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पाठ के शेष भाग हम दूसरी कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।